ये मात्र अटल जी को श्रद्धांजलि नहीं थी, ये उस कर्मकांड की प्रक्रिया को पूरा करना भी था जो इस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उससे वंचित रखा। माँ गंगा, जिसको हम मोक्ष दायिनी भी कहते हैं, जब उस माँ गंगा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को अपने में समागम कर लिया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता जिसमें हमारे प्रधानमंत्री तक सम्मिलित हैं, उन्होंने उनकी अस्थियों का जो विज्ञापन करने का काम किया, जो जुलूस निकालने का काम किया, उससे उनकी आत्मा विचलित होगी, उससे उनकी आत्मा परेशान होगी। और जो इस कर्मकांड के लिए सबसे उपयोगी जगह है, हमने इसलिए उसको चुना। और हमने आज इस हवन कुंड के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की, माँ गंगा से प्रार्थना की कि जिस जन नेता को इस पूरा विश्व के, पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनकी अस्थियों का प्रयोग किया, उनकी देह का प्रयोग किया, उनको सद्बुद्धि भी दी जाए।